अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज हम लोग आए हुए हैं काजी एवरी पे, वकास काजी साहब के पास, जो कि एक सीजनल ब्रीडर है। तो आज हम लोग इनके एक्सपीरियंस के मुताबिक इनसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। चलिए तो इन्फॉर्मेशन शुरू करते हैं। तो आप हमें मतलब जो इनकी क्लीनिनेस होती है लव बर्ड्स की, किस तरह इनको मेंटेन करें, एक अच्छा माहौल दें, एनवायरनमेंट दें, जिससे ये अच्छी ब्रीडिंग पे भी इम्पेक्ट पड़े और खुश भी रहे, एक्टिव रहे, तो उस हवाले से आप हमें थोड़ा सा गाइड करें। बिल्कुल बिल्कुल, लव बर्ड का एनवायरनमेंट जहाँ पे रखना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लाइफ स्टॉक है ऑब्वियसली, इसमें आपको इनके सारे मामला, धूप पानी, इन सब चीज़ों को लेके चलना होता है। लव बर्ड जो है काफ़ी, क्योंकि अफ्रीका से, इसके नेटिव बर्ड जो है अफ्रीका से, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसके ब्लड लाइन है बेसिकली, और ये टफ बर्ड होता है, तो इसके लिए गर्मी इतना बड़ा इशू नहीं होता। सम हाउ फिर भी ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो गर्मी, मुल्तान की स्पेशली जो गर्मी है वो काफ़ी सवेर किस्म की है, जिसमें हमें प्रिकॉशन मेजरमेंट्स लेने पड़ते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो चीज़ है, आपने जो आपका मास्टर एवरी है या बर्ड रूम है, उसकी वेंटिलेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। वेंटिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इवन इन योर ब्रीडिंग सीजन एज वेल। आपकी वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए। फिर आपका जनाब साहब टेम्परेचर कंट्रोल करना है। टेम्परेचर कंट्रोल करने के कई तरीके हैं। लोग एसी लगाते हैं, वो ना तो इतना अफोर्डेबल है आजकल के दौर में, और उसको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। जो लोग कर रहे हैं बहुत अच्छा है, बट वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। कूलिंग पैड सिस्टम आ गए हैं, जिसमें आप उससे एनवायरनमेंट का माहौल, अपना एवरी का जो एनवायरनमेंट है उसको कंट्रोल कर लेते हैं। टेम्परेचर आइडियल जो है इनके लिए, आप 28 से 32 तक टेम्परेचर मेंटेन करें, दैट इज़ क्वाइट गुड टेम्परेचर फॉर द बर्ड, वो रिलैक्स रहते हैं। तो आपने ये वेंटिलेशन करनी है, कोशिश करनी है सुबह की सनलाइट आपकी एवरी के अंदर आए, ठीक है, जिससे विटामिन डी जो है बर्ड एब्जॉर्ब करेगा। और सफाई तो निस्तेमान है, वो तो आपने करनी करनी है, वो तो इम्पोर्टेंट पार्ट है। सफाई होगी तो आप सारे डिजीज से भी दूर रहेंगे। सफाई में ये है कि आपने रेगुलरली ट्रेस को क्लीन करना है, उनके पॉप्स को क्लीन करना है। पानी जो है बर्ड्स का, वो दिन में दो दफ़ा चेंज करें, गर्मियों में स्पेशली, क्योंकि पानी का टेम्परेचर ऊपर चले जाता है तो उसकी वजह से भी इश्यूज आते हैं। और विंटर में जो है, मेरी जो प्रैक्टिस है, मैं पानी जो है वो रात को निकाल देता हूँ बर्ड्स में से, ताकि वो सुबह ठंडा पानी ना पिए, और उनको हम थोड़ा सा सुबह के टाइम नीम गर्म पानी देते हैं, इससे बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। बहरहाल यस, सफाई बहुत ज़रूरी है, आपको अपने बर्ड्स को सफाई मेंटेन करनी है। और बर्ड्स को ऑफ सीज़न, जिस तरह आजकल गर्मी आ रही है, तो आपके पास फ्लाइट्स हैं, उनमें अपने बर्ड्स को फ्लाइट्स में छोड़ें, ताकि वो एक्टिविटीज़ कर सकें, क्योंकि ब्रीडिंग तो करेंगे नहीं, वो गर्मियाँ हैं, तो उसमें ये फ्लाइट्स में फिरें, उनको आप स्टिक्स दें, उनको कुछ खेलने के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ देते रहें, ताकि वो एंगेज रहें। अच्छा, और ये वायरल डिजीज़ जैसे आ जाती है लोगों के परिंदों में, हालांकि काफ़ी प्रिकॉशनरी मेजर्स की भी होती हैं, फिर भी आ जाती हैं, तो ये किस तरह आ जाती है और इनको मतलब सेट किस तरह करना होता है? देखिए, वायरल जो है वो नॉर्मली ज़्यादातर लोगों के पास जो वायरल वायरस जहाँ से आता है, वो मेन सोर्स आपको अगर आइडेंटिफाई करना हो, तो वो नॉर्मली होता है कि आप बर्ड खरीद के लाते हैं, तो वो कैरियर होता है, वो आपके पास जब आता है आपकी एवरी में, तो उसकी ऑब्वियसली वो कैरी कर रहा होता है, वो तो इम्यून हुआ होता है, मगर आपके बर्ड नहीं हुए होते तो वो एकदम स्प्रेड आउट हो जाता है, उससे भी ये वायरस आता है। फिर जो हमने पहले बात की, वेंटिलेशन अगर अच्छी ना हो आपकी, उससे भी आपका जो है डिजीजेस डेवलप होती हैं। बिल्कुल, और बॉक्स में अगर आपके जनाब साहब रेगुलरली सफाई नहीं होती, जो ब्रीडिंग बॉक्सेस हैं वहाँ से भी माइट्स क्रिएट होती हैं, फिर वो भी डिजीज़ डेवलप करने में रोल प्ले करती हैं। फिर ये मच्छरों का सीज़न होता है, मच्छर जो है वो कैरियर होता है, वो भी एक बर्ड से दूसरे बर्ड पे कैरी करता है, एक एवरी से दूसरी एवरी पे करता है, एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी पे करता है, तो वो आपने मच्छर से बचाना है अपने बर्ड्स को। आपने मच्छर से बचाने के लिए आपके पास एक दो तीन चीज़ें हैं जिससे आप कर सकते हैं। या तो आप अपनी एवरी को जो है वो बारीक नेट से कवर करें, जिसमें जो है वो मच्छर अंदर कम से कम आए। और दूसरा एक बड़ा ज़बरदस्त आजकल आया हुआ है, वो एक बल्ब है जो मच्छर कैच करता है, ये आम अवेलेबल मिलते हैं, आप अपने एवरी में उनको इंस्टॉल करें, तो उससे इंशाल्लाह आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा।
तो बहुत अच्छा लगा आपसे इन्फॉर्मेशन लेकर। तो अगर अब तो ब्रीडिंग सीजन क्लोज हो गया है, और अगर कोई बात हम लोग वीडियो में कवर ना कर सके और वो भी आप लोगों को पूछनी हो, तो आपका जी साहब से पूछ सकते हैं, वो आपको अच्छी गाइडलाइन दे देंगे। और गाइडलाइन का तो नो चार्ज होता है, वो शौक को बढ़ाते हैं। और आपको रिस्पॉन्डिंग ना करना आपका बर्ड, तो उस वाले से मतलब आपको अच्छी तरह गाइड कर देंगे। तो आज वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह।